नमस्कार, मैं आशा विजयवर्गीय आशा की कुकबुक स्वाद के संसार में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए गोंद के लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी सामग्री देखते हैं। गोंद के लड्डू के लिए जो सामग्री हमें चाहिए वो इस प्रकार है। आटा, मैंने आटा 1 किलो लिया है। चीनी 800 ग्राम, शुद्ध देसी घी 1 लीटर, इलायची पाउडर जो कि मैंने इलायची को पीस के बना लिया, 20-25 इलायची को आप पीस लें, काली मिर्च 2 चम्मच, बादाम 100 ग्राम, किशमिश 50 ग्राम, ये मगज लिया है, खरबूजे या तरबूज का बीज 25-25 ग्राम, दोनों मिला के मैंने 50 ग्राम लिया है, सूजी करीब 100 ग्राम, काजू 50 ग्राम, एक सूखा नारियल जिसे गिट भी बोलते हैं, और गोंद करीब 1 किलो आटा में 200 ग्राम गोंद चाहिए। चलिए हम गोंद का लड्डू बनाते हैं। चीनी को हम पीस के इसका पाउडर बना लेंगे। मार्केट में बूरा भी मिलता है। बादाम और काजू को हम टुकड़ों में काट लेंगे। नारियल के गिट को छोटे छोटे टुकड़ों में करके मिक्सी में पीस लेंगे और इसे हम छोटे टुकड़ों में और कर लेंगे। अभी करीब 250 ग्राम घी गर्म होने के लिए मैंने कढ़ाई में डाल के गैस पे चढ़ा दिया है। घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं गोंद को तल लूंगी जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। थोड़ा थोड़ा डालेंगे। गोंद को जरूर तल लेना चाहिए, ये अच्छी तरह से फूल जाए, फिर हम इसे निकालेंगे। अच्छी तरह से तल चुका है, अब इसे निकाल देंगे। थोड़े थोड़े गोंद को तलते हुए सारे गोंद को हम तल लेंगे। गोंद को जब हम तलते हैं तो जब चट-चट की आवाज बंद हो जाए इसका मतलब गोंद अच्छी तरह से फूल चुका है, फिर आप इसे निकाल लें। मैंने सारे गोंद को तल लिया है, अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद मैं इसे क्रश कर लूंगी। आप चाहे तो इसे इसी तरह से डाल सकते हैं। किशमिश को भी तल लेंगे। किशमिश में अगर कोई डंडी हो तो उसे आप निकाल दें। हल्का सा इसे तलेंगे हम। अब इसी कढ़ाई में मैं और घी डाल लूंगी। थोड़ा सा घी रख लेंगे अभी। अब इसमें आटा धीरे धीरे डालेंगे। अभी आपको लग रहा होगा कि घी ज्यादा है, पर लड्डू में घी ज्यादा चाहिए। आपको ये सभी सामान किराना स्टोर में मिल जाएगा। लड्डू ये बहुत ही हेल्दी और पौष्टिक है। ठंड के दिनों में इसे जरूर बना के खाएं। रोज अगर आप एक लड्डू दूध के साथ नाश्ता में लेंगे तो दिन भर काफी एनर्जी रहेगी और ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। आटा को थोड़ी थोड़ी देर में चलाते हुए अच्छी तरह से सेकना है हमें। गैस के फ्लेम को कभी आप तेज कर लें, कभी मध्यम आंच में कर लें सेकते वक्त, और सेकते वक्त किचन में कुछ और भी काम कर सकते हैं आप चाहें तो शुरू में थोड़ा और कम घी डाल लें। आटा को सेकते हुए थोड़ी देर हो चुका है, अब मैं इसमें सूजी डालूंगी। 1 कटोरी सूजी, करीब 100 ग्राम सूजी है ये। मैंने इसमें सूजी इसलिए डाला है क्योंकि आटा मेरा नॉर्मल है और अगर आपको मोटा आटा मिल जाए तो आप सूजी ना डालें। गोंद को हम कटोरी की सहायता से क्रश कर लेंगे इस तरह से, या आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं। आटा को सेकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं, काफी अच्छी तरह से सेक गया है। थोड़ी देर और सेकेंगे हम इसे। लड्डू बनाने के लिए आप भारी तले वाली कढ़ाई लें और थोड़ी बड़ी कढ़ाई लें, और पहली बार अगर आप बना रहे हो तो कम क्वांटिटी में थोड़ा बना के देख लें एक बार।
गोंद को मैंने कटोरी की सहायता से अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। आटा को सेकते हुए करीब आधा घंटा हो चुका है, मैं इसे 5 मिनट और सेकूंगी। काफी अच्छी तरह से सिक गया है, खुशबू भी आने लग गई। आटा अच्छी तरह से सिक गया है, आप इसकी खुशबू से भी जान सकते हैं। इसका कलर भी काफी चेंज हो जाता है, गोल्डन कलर हो जाता है अच्छा, और थोड़ा सा चलाने में भी आपको हल्का लगने लगेगा ये। अब मैं इसमें बादाम छोटे टुकड़ों में काट लिया वो डाल देती हूँ, काजू, मगज, इन्हें मैंने तला नहीं था तो अभी गरम आटे के साथ ये अच्छी तरह से भुन जाएगा। नारियल जिसका पाउडर बना लिया मैंने, इलायची पाउडर, काली मिर्च, अभी से हम थोड़ी देर भून लेंगे। आटा के साथ साथ ये भी भुन जाएगा अच्छी तरह से। अभी अच्छी तरह से सिक चुका है और ड्राई फ्रूट भी सिक गए इसमें। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। गोंद और किशमिश भी इसमें डाल देंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से मिला दिया मैंने। चीनी अभी हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है। इस वक्त चीनी अगर डालेंगे तो उसका पानी छोड़ देगा तो लड्डू हमारा बंद नहीं पाएगा। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तब हम चीनी मिलाएंगे। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा ठंडा हो चुका है, इसे हम बिल्कुल ठंडा नहीं करेंगे क्योंकि बिल्कुल ठंडा हो जाने के बाद अगर चीनी मिलाएंगे तो लड्डू नहीं बन पाएगा। तो थोड़ा ठंडा कर ले, हल्का गर्म रहेंगे तब हम इसमें चीनी मिलाएंगे। चीनी मैंने 800 ग्राम पीस लिए, अब इसे मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा डाल के इसे अच्छी तरह से मिला ले। चीनी डाल के जब आप मिलाएंगे तो एक बार लगेगा कि घी कम है, पर थोड़ी देर बाद आप इसका लड्डू अच्छे से बांध सकते हैं। एक बार पूरी तरह से चीनी को मिला लेंगे, फिर अगर हमें घी कम लगेगा तो थोड़ा घी और डाल देंगे। चीनी को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसे आप थोड़ा इकट्ठा करके ही रखें। अब इसका लड्डू बांध लेंगे। अगर आपको इस वक्त घी थोड़ा कम लगे घी जरूर डाल ले, मैंने अभी घी नहीं डाला है। आप हथेली में थोड़ा मिश्रण को ले लें और इसे दबाते हुए घुमाते जाएं। लड्डू बहुत आसानी से बन जा रहा है, देखिए घी भी ऊपर आ गया, इसलिए अब हमें इसमें घी की और जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपको बांधने में दिक्कत हो तो आप 2-3 चम्मच घी और डाल दें। घी को जब भी डालें अच्छी तरह से गर्म करके डालें, इसे थोड़ा गर्म रहते हुए ही बांधें क्योंकि ठंडा होने के बाद घी जमने लग जाएगा तो बांधने में दिक्कत होगी। आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर, काली मिर्च का पाउडर कम ज्यादा कर सकते हैं। और अगर आप मीठा बहुत कम पसंद करते हो तो चीनी थोड़ा कम डाल लें। 1 किलो आटा में करीब आप 650 ग्राम चीनी डाल लें, और अगर मीठा ज्यादा पसंद है 1 किलो में 800-850 ग्राम डाल लें। 800 ग्राम सफिशियंट है चीनी। गोंद का लड्डू तैयार है खाने के लिए, स्वादिष्ट और हेल्दी। सारे लड्डू बन गए। लड्डू बांधने के बाद मैंने इसे थोड़ी देर छोड़ दिया था अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए। अभी ठंडा हो चुका है, इसे हम डब्बे में भर के रख लेंगे। पर ठंडा होने के बाद अगर आप लड्डू को निकालेंगे इस प्लेट से तो ये टूट सकता है, इसके लिए हम इसे गैस में थोड़ा सा गर्म कर लेंगे। इस प्लेट को हल्का सा गैस में घुमाते हुए गर्म कर लेंगे जिससे कि लड्डू हमारा आसानी से निकल जाए और टूटे भी नहीं। इसे फिर हम इस डब्बे में भरकर रख लेंगे। गोंद के लड्डू बनकर तैयार है, इसे आप सर्दियों में जरूर से जरूर बना के खाएं और उम्मीद करती हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगा।
क्योंकि ये हेल्दी भी है और पौष्टिक भी है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।